एग्जाम 9 के अंदर वही कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाऊंगा, तो हम यहाँ पे अब टॉपिक वाइज ही करेंगे। तो अब आते हैं जी कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, उसी चीज को अगेन डिस्प्ले किया हुआ है। अभी हमने जो शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर के मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ थोड़ा सा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक वेरिएबल के डाटा को दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर, और वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास के डेटा मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट अगेन वही टॉपिक शैलो कॉपी का जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रॉब्लम इन शैलो कॉपी। प्रॉब्लम इन शैलो कॉपी भी मैं आपको इसके अंदर यहाँ पे इस जगह पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि शैलो कॉपी में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा डाटा तो कॉपी हो जाता है लेकिन पूरा डाटा कॉपी नहीं होता, उस डाटा का लिंक कॉपी होता है। जैसे यहाँ के ऊपर होवर करता हूँ तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि लोकेशन क्लास वन इन टू एफ एन की एफ ड्राइव के अंदर वो क्लास वन पड़ी हुई है। तो ये प्रॉब्लम है शैलो कॉपी की कि अगर किसी जगह पे हमारा किसी केस में हमारा जो ओरिजिनल फाइल है वो डिलीट हो जाती है, तो उस वजह से वो जब फाइल डिलीट होगी, ये मैंने इसको रिस्टोर किया, तो जब वो फाइल डिलीट होगी तो हमारी जो ये वाली कॉपी वाली फाइल है ये भी एक्सेस नहीं हो पाएगी। तो ये प्रॉब्लम है शैलो कॉपी के अंदर। हम अपना डाटा कॉपी कर लेते हैं लेकिन वो उसका एक किस्म का बैकअप नहीं बनता, जबकि डीप कॉपी का एडवांटेज ये है कि हमने जो फाइल यहाँ से कॉपी की थी और उसको जहाँ पे जाके पेस्ट किया था उसमें हम अगर हमारी ओरिजिनल फाइल डिलीट भी हो जाती है तो हमारी इस फाइल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, चूंकि शैलो कॉपी का एक डिसएडवांटेज है तो इसका एडवांटेज कुछ ये बनता है कि हमें ज्यादा मेमोरी नहीं करनी क्रिएट करनी पड़ती। कि फॉर एग्जांपल मेरी ये फाइल जो है यहाँ पे 10 MB की है, तो अगर मैं इसको शैलो कॉपी के थ्रू कॉपी करता हूँ तो मेरा वो 10 MB के बाद ये जो शॉर्टकट बनेगा ये शॉर्टकट सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 KB का बनेगा। इसका इससे ज्यादा कुछ, अगर यहाँ पे इसका साइज लिखा हो तो आपको दिखा देता हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे देखें साइज 395 bytes, मतलब पूरा 1 KB भी नहीं है। इसका ये एडवांटेज है कि हमें स्टोरेज कैपेसिटी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, यहाँ पे ये स्टोरेज बहुत कम लेता है। उसके अदर हैंड अगर देखा जाए कि अगर हमारी ये वाली फाइल जो थी वो 10 MB की है तो जब मैं इसको डीप कॉपी के थ्रू करूंगा तो यहाँ पे भी आके भी वो 10 MB का डाटा जो है कंज्यूम करेगी, तो 10 MB और ये भी 10 MB क्रिएट करेगा। तो ये इन दोनों का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। शैलो कॉपी का एडवांटेज ये है कि उसमें साइज जो है हमें प्रॉब्लम नहीं होती, स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें साइज वो क्रिएट नहीं करता, वो ही रहता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर ओरिजिनल फाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं होगा और ये फाइल भी फिर वर्क नहीं करेगी शैलो कॉपी। इसके बाद डीप कॉपी का थोड़ा सा और देख लेते हैं कि डीप कॉपी का एडवांटेज ये है कि हमारे पास दो फाइल्स बन जाती हैं एक किस्म की। अगर हम एक बार डीप कॉपी करते हैं तो हमारे पास दो फाइल्स बन जाती हैं। अगर ओरिजिनल फाइल में कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है तो हम इस फाइल के थ्रू अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये मेमोरी ज्यादा लेता है, स्टोरेज ज्यादा क्रिएट करता है। इसी तरह ये कोड के अंदर भी कुछ इसी तरह से ही वर्क करती हैं शैलो कॉपीज और डीप कॉपीज। नेक्स्ट हमारा वही डीप कॉपी अगेन जो हमने सारा एक्सप्लेन कर लिया है यहां तक आने से पहले। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रक्टर पे। अब डिस्ट्रक्टर क्या होता है? ये डिस्ट्रक्टर जो है कंस्ट्रक्टर का उल्ट है। कंस्ट्रक्टर का मकसद होता है डेटा को एक्सेस करके मेंबर्स को क्रिएट करना हर लिहाज से, जबकि इस डिस्ट्रक्टर का मकसद होता है कि जो डेटा हमने एक्सेस किया है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जो लिंक्स हमारी क्रिएट हुए हैं, जो भी मेमोरी हमारी कंज्यूम हुई है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, उस सारी मेमोरी को क्लीन कर दे, नल एंड वॉइड कर दे। जैसे यहाँ पे हमने एक ये तो डायरेक्टली उन्होंने एक डिस्ट्रक्टर बना दिया कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर कोई प्रोग्राम हो हमारा तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, ये हमारी क्लास का नेम है स्टूडेंट, तो उसके लिहाज से हमारा ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हुआ। इस कंस्ट्रक्टर के डिक्लेयर होने के बाद इसने ये वाले वेरिएबल्स क्रिएट किए, इन वेरिएबल्स को क्रिएट करने के बाद उन वेरिएबल्स के अंदर कुछ वैल्यूज को स्टोर की। स्ट्रिंग कॉपी को यूज करते हुए हमने एक वेरिएबल से इसके इस वेरिएबल के अंदर हमने डाटा को पेस्ट किया, डाटा को कॉपी किया, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट पार्ट को, तो हमने उसके लिए एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया। उसके बाद वो वाला पोर्शन जब खत्म हुआ तो हमने उस कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया हुआ है कि इस कंस्ट्रक्टर में कैसे वर्क करना है, किस तरह से वर्क करना है, और वो नेम के लिए था, ये हमने रोल नंबर वगैरह कर लिए, सारे जो हमारे कंस्ट्रक्टर थे डिक्लेयर हो गए। जब ये हमारा सब कुछ डिक्लेयर हो गया, सब कुछ प्रोसेस हो गया, तो देन हमारा प्रोग्राम जो है वो आएगा मेन के पास।
मेन में जिस जिस जगह पे जो जो चीज जैसे जैसे कॉल की गई है उस तरह से वो यहाँ पे आएगा पब्लिक और प्राइवेट पार्ट के अंदर, उन डाटा को एक्सेस करना शुरू कर देगा। जैसे ही मेन में वो लास्ट लाइन एक्सेस करेगा और एक्सेस करने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल एंड पे आ जाएगा, सिस्टम कॉल पे या रिटर्न जीरो पे जिस पे भी आ जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट होने से एक स्टेप पहले वो जाएगा हमारे डिस्ट्रक्टर के पास। तो ये है हमारा डिस्ट्रक्टर, इसके पास जाएगा। और इसके पास जाने से क्या होगा कि इसकी वजह से, ये इस पब्लिक पार्ट की वजह से जितने भी लिंक्स क्रिएट हुए हैं, जितने भी जो भी ट्रेसेस वगैरह हैं, उन सब ट्रेसेस को क्लीन कर देगा। इसका मकसद, नॉर्मली जो मकसद होता है वो ये होता है कि जब हम नेक्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया, उसको रन किया, उसको सेव कर लिया, देन मैंने कंट्रोल एन किया या डेव को बंद करके ऑन किया, हम अपने कंपाइलर को बंद करके ऑन किया और नया प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया, और मैं नए प्रोग्राम के अंदर भी क्लास स्टूडेंट ही यूज कर लेता हूँ और या स्टूडेंट नहीं यूज करता, तो मैं ए नेम का वेरिएबल या रोल नंबर का वेरिएबल, ये वाले वेरिएबल्स यूज करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो पहले वाला प्रोग्राम है उसके कुछ लिंक्स, उसके कुछ ट्रेसिस जो हैं, जिसको हम हीप मेमोरी कहते हैं, वो रैम में हमारे पड़ी होती है, और अगर हम वही नेम्स को दोबारा यूज करते हैं तो वो उस पुरानी मेमोरी को, जंक मेमोरी को, गार्बेज वैल्यू को एक्सेस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पड़ी होती है, इसी नेम्स के अंदर सेव होती है, तो उसको भी एक्सेस करना शुरू कर देता है, और जैसे वो एक्सेस होती है हमारे नए प्रोग्राम के अंदर एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम नया प्रोग्राम भी नहीं करते, हम पुराने प्रोग्राम को बंद कर देते हैं, 10-15 मिनट बाद हम दोबारा उसको ओपन करके रन करते हैं, तो पॉसिबल होता है कि हमारे उसी प्रोग्राम के अंदर जो कि पहले एरर नहीं आया था, बाद में एरर आ जाए, या फिर वैल्यू के अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू आना शुरू हो जाए, क्योंकि रैम के अंदर पुरानी वैल्यूज पड़ी हुई हैं और वो नई वैल्यूज के अंदर सम अप होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए हम ये डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जिट करे, एग्जिट करने से एक स्टेप पहले इसके अंदर मौजूद के जितने भी ट्रेसेस पड़े हैं, जितने भी लिंक्स पड़े हैं, उन लिंक्स को, उन वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर दें। डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा कि हमारे वैम के अंदर इन नेम्स की वजह से जो वैल्यूज क्रिएट की पड़ी हैं, वो वैल्यूज जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, और जैसे ही वो वैल्यूज वहाँ पे क्लीन होंगी, जैसे ही वो वैल्यूज वहाँ पे खत्म होंगी, तो नया प्रोग्राम अगर हमें लिखना हो या उसी इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करना हो, तो हमारे प्रोग्राम में किसी किस्म की मेमोरी लीक नहीं होगा, कोई पॉइंटर डैंगलिंग नहीं होगी, कुछ भी किसी किस्म की गार्बेज वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो ये पर्पज़ है डिस्ट्रक्टर को यूज़ करने का, ये एडवांटेज है डिस्ट्रक्टर को यूज़ करने का, और डिस्ट्रक्टर को यूज़ करने का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं C++ में और क्लासेस वगैरह को यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है क्लास यूज़ करेंगे, तो क्लास यूज़ करने का मकसद ही ये होता है कि हम अपने डाटा को किसी हद तक प्राइवेट कर सकें। अब प्राइवेट डाटा को लिखने का हमने बिल्कुल लिख के छोड़ तो देना नहीं है, हमने उसको एक्सेस तो करना ही है, उसको वैल्यूज़ देनी है, उससे वैल्यूज़ लेनी है, तो उनको वैल्यूज़ को देने और लेने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो जब हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे, तो इस चीज़ को आप अपनी आदत बनाएं कि जब वो कंस्ट्रक्टर्स वगैरह डिक्लेयर हो जाएं, सब कुछ हो जाए, तो मेन से पहले जब क्लास ने बंद होना है, क्लास के पब्लिक पार्ट ने बंद होना है, तो उससे पहले आप एक डिस्ट्रक्टर को इस तरह लिख दें, और डिस्ट्रक्टर के अंदर ये जो चीज़ है ये हम डिफाइन करते हैं कि हमने डिस्ट्रक्टर में क्या डिलीट करना है। तो ये ना भी करें, आप सिंपल इसको डिस्ट्रक्टर का नेम लिखें, आगे सेमी कोलन लगा दें, तो हमारा ओवरऑल एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा जो कि प्रोग्राम को एग्जिट करने से पहले सारे डाटा को रिमूव कर देगा। तो ये आप इस चीज़ की आदत बनाएं ताकि आपको नेक्स्ट जो भी आप प्रोग्राम को रन करें तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट एक आता है जी, यहाँ पे वही चीज़ अगेन लिखी हुई है, तो नेक्स्ट आता है जी दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है CS201 में, ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 12-13 से ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत दिस पॉइंटर के बारे में। और दिस जो है वो एक रेफरेंस पॉइंटर होता है, और हमने नॉर्मली इसको हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम क्लास के अंदर अपने पॉइंटर्स वगैरह को यूज़ कर रहे हों, तो इसको भी एक्सप्लेन करने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस CS304 के अंदर ये जो दिस पॉइंटर यूज़ हुआ है ये सेम है जो हमने CS201 में भी पढ़ा हुआ है, तो इसको भी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं ताकि हमारा लेक्चर जो है वो छोटा हो। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 8 और 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो बनेंगे लेक्चर नंबर 10 पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।